नमस्कार, मैं डॉक्टर गुलरेश शेख, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तथा उनके बुद्धिजीवियों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के संग किसी प्रकार का समझौता किया था जिसके अनुसार स्वतंत्रता पश्चात भारतीय सेना में इंडियन नेशनल आर्मी का विलय किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा? क्या नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी के उस निर्णय को, उस मंशा को पलट दिया था जिसके तहत इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, के सैनिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी? क्या नेहरू जी ने इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ अधिकारियों को पद की लालच देकर यह मनवाने का प्रयास किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु उस तथाकथित विमान दुर्घटना में हुई? क्या नेहरू जी ने राज्यपालों को 25 पत्र लिखे थे जिनके अनुसार इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को किसी प्रकार का भी स्वतंत्रता संग्रामी का ओहदा नहीं दिया जाए और ना ही उन्हें किसी प्रकार की नौकरी दी जाए? मैं अपेक्षा करता हूँ कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख, दलगत राजनीति से ऊपर उठ, कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीव तथा उनका नेतृत्व इन प्रश्नों का सही सही उत्तर देश के समक्ष रखेगा। जय हिंद।